नमस्कार किसान भाइयों, मैं बंटी मीणा आपका स्वागत करता हूँ राजस्थान फार्मिंग में। आज मैं आपको मिर्ची के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने बीच में वीडियो नहीं बनाया। इसका एक कारण था कि मेरे कुछ पारिवारिक दिक्कत आ चुकी थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। लेकिन अब मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें आपको मैं बताऊँगा कि आज तारीख हो चुकी है 11 और छठा महीना और 2023, मतलब कि 11 तारीख जून और 2023। इसमें मेरी मिर्ची का क्या ग्रोथ है, कौन सी वैरायटी का बीज अच्छा चल रहा है, कौन सी वैरायटी का बीज अच्छा नहीं चल रहा है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो जो मैंने टीएम सीड लगाया था, ये देख सकते हो, इसमें 99% मतलब कि मिर्ची ख़त्म होने को है। मिर्ची की साइज़ भी छोटी रह चुकी है, ये देखिए, और ऐसा इसे ग्रोथ नहीं है। यही दिक्कत अपने को जो जंगीज कंपनी की रश्मि थी उसमें भी दिक्कत आ चुकी है। इसमें भी कोई ऐसा बढ़वार नहीं है, ना नई फूटान है, लेकिन इसके अपोजिट में जो अपने लगाई थी सेमिनिज की 1049, वो अभी भी अच्छे से चल रही है, फूटान इसमें अच्छे से हो रही है। और दूसरी बात कि इसमें जो मिर्ची आ रही है, आप देख सकते हो, ये देखिए, इसे जो मिर्ची की तादाद है वो भी कम नहीं हुई है। और हालांकि ये मिर्ची भी बढ़ेगी, इसकी साइज़ अभी बढ़ेगी। तो मेरा ये मानना है कि ये मिर्ची गर्मी के तौर पे जो मिर्ची चलेगी और लॉन्ग टाइम के लिए चलाना है, तो सेमिनिज की जो 1049 लगती है वो आप लगाइए, ये बहुत अच्छी वेराइटी है। बाकी अदर वेराइटी में अभी वायरस आ चुका है, बहुत सी मिर्ची ख़त्म हो चुकी है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसके अंदर नई फूटान भी हो रही है, हालांकि इसमें भी वायरस है, लेकिन इतना वायरस नहीं है कि मिर्ची को बिल्कुल हम ख़त्म बोल सके, ख़त्म नहीं है। बाकी पौधे देखो आपके सामने हैं, चल रहे हैं, अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, और नई फुटान इसमें मिल रही है, और पौधों में नई फुटान होना बंद हो चुकी है। बाकी सेमिनिज 1049 में नई फुटान मिल रही है। तो मेरा मानना यह है कि जो सेमिनिज की 1049 है, ये आप गर्मी के टाइम में, मतलब कि आप जनवरी फरवरी में भी ट्रांसप्लांट दीजिए, और आपको अच्छे से प्रोडक्शन मिल पाएगा, आपको ये गर्मी में अच्छे से चल पाएगी। तो इस बार दो कारण भी रहे हैं हमारे मिर्ची यहाँ ख़त्म होने के। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि मार्केट नहीं था, इसी कारण से मिर्ची में इतनी ज़्यादा से जो दवाई वगैरह थी वो नहीं लगा पाए। और दूसरा कि यहाँ पे टेम्परेचर था, वो अप डाउन इस साल हो रहा था, कभी टेम्परेचर अचानक ही 35 चल जाए, फिर वापस 25 पर आ जाता था, क्योंकि बारिश हो रही थी, तो इस कारण भी मिर्ची में बहुत प्रभाव पड़ा है। और इसी के साथ में हमारे यहाँ पे जो ये डैम का पानी है, इसका लेवल भी अच्छा था, तो इसने थोड़ा बहुत सपोर्ट दिया है। और इसी के साथ में ये आप देख सकते हो कि जो सेमिनिज की 1049 है, इसमें मिर्ची की लाग और लंबाई बहुत अच्छी है। तो मेरी तरफ से आप गर्मी के टाइम अगर मिर्ची करना चाह रहे हो, तो सेमिनिज की 1049 लगाइए, बहुत अच्छी वैरायटी है और बहुत अच्छा प्रोडक्शन आपको मिलने वाला है। बाकी मैं मार्केट की बात आपसे नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट कभी भी ऊपर नीचे होता रहता है। और आप गर्मी में जब भी मिर्ची लगाना चाह रहे हो, तो सेमिनिज की 1049 लगा लीजिए, बहुत अच्छी वैरायटी है। और फिलहाल अभी मैं इसकी हार्वेस्टिंग करूँगा, तो जैसे कि मैं लोकल मंडियों में इसका माल सेल करूँगा, तो कितना माल है, कितना प्रोडक्शन मैं इसमें से निकाल पाता हूँ और कितना प्रॉफिट ले पाता हूँ, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और आपके चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद।